आज हम लोग स्नातक प्रथम वर्ष समाज शास्त्र विषय में एक अवधारणा है समाजीकरण की, उस पर चर्चा करेंगे। समाज शास्त्र बीए प्रथम वर्ष समाज शास्त्र में एक अवधारणा है समाजीकरण। समाज शास्त्र में जितनी भी प्रक्रियाएं चलती, जितनी भी प्रक्रियाओं को हम पढ़ते हैं, उनमें एक समाजीकरण भी है। समाजीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हम समाज को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि समाज कहते किसे हैं। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। आखिर ये संबंध बनते क्यों हैं? ये संबंध हर आदमी बनाता इसलिए है कि उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं जो वो अकेले पूरा नहीं कर सकता, तो व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही संबंध बनाता है। परंतु सबसे एक जैसा संबंध व्यक्ति नहीं बनाता। अब इस संबंधों में विविधता कहाँ से आ जाती है? ये विविधता हमारी संस्कृति की देन है। जैसी संस्कृति होगी वैसा ही संबंध होगा। लेकिन संस्कृति कैसे इसको परिवर्तित कर देती है? संस्कृति कैसे इन संबंधों की स्वरूप का निर्धारण करती है? संस्कृति में की इकाई है, एलिमेंट्स कह सकते हैं, सांस्कृतिक तत्व, उन सांस्कृतिक तत्वों में से एक तत्व है मूल्य। जैसा मूल्य होगा उसी मूल्य के अनुसार इंसान संबंध बनाता है, यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति संबंध बनाता है और मूल्यों से प्रभावित होकर बनाता है। जैसा मूल्य होगा वैसा ही संबंध होगा। परंतु इस संबंध को बनाने के लिए मूल्यों को ग्रहण कैसे करेगा? तो इस मूल्यों को ग्रहण करने के लिए समाज में एक प्रक्रिया चलती है जिसको कहते हैं समाजीकरण। जब बच्चा जन्म लेता है तो पूर्ण रूपेण जैविकी होता है, सावयव जिसको बोलते हैं, सावयव डार्विन का नाम है इसको, सावयव। अब सावयव ही शिशु है, इसमें सारे लक्षण पशु के हैं। लेकिन पशु से वो इंसान कैसे बनेगा? पशु से इंसान बनाने की प्रक्रिया का नाम ही है, सामाजिकरण। यानी कि एक बच्चा सामाजिकरण की प्रक्रिया के कारण ही वो समस्त सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करके और समाज के अनुसार बन जाता है। जिस प्रक्रिया के तहत उन चीज को, मूल्यों को ग्रहण करता है, उसी को कहते हैं सामाजिकरण। इस समाजीकरण की प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। समाजीकरण की परिभाषा देते हुए किम्बाल यंग ने लिखा है, समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों में संबंध स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सामाजिक सहनशक्ति की भावना विकसित करता है। यानी कि समाजीकरण नहीं होता तो समाज की इन समस्त शक्तियों को ग्रहण नहीं कर पाता। इसी को परिभाषित करते हुए जॉनसन लिखते हैं कि सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। इसको यहां लिख के इस प्रकार समझ सकते हैं कि जॉनसन के अनुसार जॉनसन सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है, समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है
प्रक्रिया है जो सीखने वाले को, जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है, निर्वाह करने के योग्य बनाती है। यानी कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया को किसको कहते हैं? क्रिया, प्रतिक्रिया में जब निरंतरता जुड़ जाती है तो वही बन जाती है प्रक्रिया। यानी कि समाज के सभी भूमिकाओं का निर्वाह करना एक व्यक्ति जब सीखता है, जिस प्रक्रिया से बच्चा सीखता है, उसी को कहते हैं समाजीकरण। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि जिसके द्वारा व्यक्ति समूह या अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, उसी प्रक्रिया का नाम है शिक्षा समाजीकरण। समाजीकरण की विशेषताएं, समाजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट समझन करने के लिए इसकी विशेषताओं को देख लेना आवश्यक है। समाजीकरण की विशेषताएं, समाजीकरण की सबसे पहली विशेषता है कि यह सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया, एक लड़का, एक बच्चा जन्म से लेकर और मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, परंतु वह सीखता क्या है? समाज में रहने के सभी तौर तरीके, और यह तौर तरीके वो आजीवन सीखता रहता है। इसीलिए समाजीकरण की एक विशेषता सीखने की प्रक्रिया भी है। आजन्म प्रक्रिया, जैसा कि पहले ही कहे हैं कि समाजीकरण आजन्म चलती रहती है। व्यक्ति जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक जो भी सीखने की प्रक्रिया चलती है, उसी को कहते हैं समाजीकरण। समय स्थान सापेक्ष चलती है समाजीकरण का। कि एक तीसरी विशेषता, समय और स्थान के सापेक्ष होती है। जैसा समय होगा, जैसा स्थान होगा, उसी के सापेक्ष व्यक्ति सीखेगा। समय और स्थान का ध्यान रखने का तात्पर्य यह है कि जैसी संस्कृति और उसको मानने वाले लोग रहेंगे, व्यक्ति वैसे ही सीखेगा। जैसे जैसे ये संस्कृति बदलती चली जाएगी, वैसे वैसे व्यक्ति और स्थान बदलता चला जाएगा, वैसे वैसे व्यक्ति नए नए चीज़ों को सीखता चला जाएगा। इसकी अगली विशेषता है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, आत्मसातीकरण। एक शब्द है सोशियोलॉजी में आत्मसातीकरण। इससे पहले भी कुछ व्यक्ति समाज में जीने के लिए सबसे प्रथम है डार्विन का संघर्ष, जीने के लिए संघर्ष करता है, जीने के लिए संघर्ष करता है, और इसी संघर्ष के दौरान वह संस्कृति का निर्माण करता है। यह संस्कार संघर्ष के बाद एक प्रक्रिया जन्म लेती है, व्यवस्थापन। व्यवस्थापन के बाद व्यक्ति एडाप्टेशन करता है, अनुकूलन करता है, और अनुकूलन के फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आता है जब वह संस्कृति को पूर्ण रूप में आत्मसात करके
फिर वैसे ही हो जाता है, वैसे ही हो जाता है। जैसी संस्कृति होगी व्यक्ति भी वैसा ही होगा। इसकी अगली विशेषता है आत्म का विकास, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आत्म जिसको सेल्फ भी कहते हैं, हम जैसा भी है, एक व्यक्ति जैसा भी है वह वैसे क्यों है, उसके पीछे सबसे बड़ी एक चीज है संस्कृति, संस्कृति और दूसरी चीज है समाजीकरण। यानी कि एक व्यक्ति का जीवन और एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तो कैसा होगा, यह पूर्ण रूपेण उसकी संस्कृति और संस्कृति को सीखने की मात्रा पर निर्भर करता है। किस तरह से ये संस्कृति का एक संक्षिप्त, समाजीकरण का एक संक्षिप्त चैप्टर जो विशेषता और परिभाषा के साथ क्लोज होता है। धन्यवाद।